फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर कुछ इस तरह से है, मीन्स आगे की तरफ मेरे जो बाल हैं कुछ इस तरह से सफ़ेद है। तो मैं इसके लिए बहुत ही नेचुरल सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और वो डाई प्रिपेयर करके अपने बालों पर लगाती हूँ घर पर ही, वैसे आप भी कर सकते हैं। अब जो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुके हैं तो ऑब्वियसली हमें अपने बालों की और स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वाइट हेयर की। अगर आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है एल्प्स गुडनेस की हिना पाउडर, जो कि आपके बालों को नॉरिशमेंट देती है, कंडीशनिंग अच्छी प्रोवाइड करती है, आपके बालों की जो ट्रेसेस होती है उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत करती है। और यहाँ पर आप इस हिना पाउडर को 1 से 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हेना पाउडर लिया है दोस्तों, क्योंकि मेरे हेयर की लेंथ जो है वो काफी लंबी भी है और काफी ज्यादा वॉल्यूमाइज भी है। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इस हेना पाउडर को ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने सफेद बालों को कवर भी कर सकते हैं हेना पाउडर के साथ में। दोस्तों मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इंडिगो पाउडर का। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिगो पाउडर 100% नेचुरल और सेफ है, आयुष गुडनेस की है। मैंने इसे यूज किया और इसे यूज करने से ही मैंने देखा कि मेरे जो बाल है वो काफी तेजी से काले हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप नेचुरल तरीके से बालों को काला बनाए रखना चाहते हैं तो हेना और इंडिगो, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग होता है, इसे आप जरूर यूज करिएगा। सो सेम इसी तरह से 2 बड़े चम्मच के तकरीबन आपको यहाँ पर इंडिगो पाउडर लेना है और यहाँ पर आप यहाँ यूज कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ में इसे मिक्स कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर चाय की पत्ती का पानी भी आप इसमें डाल सकते हो। तो अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लीजिए, घोल बना करके रेडी कर लीजिए और अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसे 2 तरीके से भी आप कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट डे आपको क्या करना होता है कि आप मेहंदी को भिगो करके मेहंदी लगा लीजिए, बाल जैसे आपके लाल हो जाते हैं। सेकेंड डे आप क्या करेंगे, बालों को अच्छी तरह से वॉश करके अपने बालों पे सेकेंड डे आप यहाँ पर इंडिगो पाउडर का घोल बना करके अपने बालों पर लगा लीजिए। तो यहाँ पर जब आपके बाल लाल हो जाते हैं तो इंडिगो का एप्लीकेशन करने से आपके बाल जो है वो काले हो सकते हैं। बट ये जो है सिंपल तरीका है, आप इसे सेम प्रोसीजर से बनाइए, उसी तरह से बनाने पे आपके बाल जो है वो काले ही होते हैं दोस्तों। तो ये दोनों प्रोसीजर आप कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर उस तरह से डबल प्रोसेस में भी आप इसे कर सकते हैं फॉलो। मैंने इसे अच्छी तरह से घोल लिया है, अब अपने बालों पर इसका एप्लीकेशन लगाऊंगी। तो इस तरह से एकदम से लम्स फ्री आपको बना करके रेडी कर लेना है आपका पाउडर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये घोल प्रिपेयर हो चुका है, बाल आपके मेक श्योर के एकदम से साफ सुथरे होने चाहिए। और जैसे ही आप इसका एप्लीकेशन करें अपने बालों पे तो बालों को इस तरह से 1 घंटे जरूर लगा करके छोड़ दीजिए। 1 से 2 घंटे अगर आपने दे दिया टाइम अपने बालों पर इस तरह से, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इसका कलर जो है वो इन्हांस हो जाता है, चढ़ के आता है और आपके बाल जो है वो सफेद बाल दिखाई नहीं देते हैं। मेरे बाल काफी ज्यादा सफेद नहीं है बट प्री जो ग्रेइंग हेयर है मुझे, तो जितने भी बाल मेरे सफेद है वो अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं जो कि आगे की तरफ है। और अच्छी तरह से इसे पूरे अपने बालों पे लगाएंगे तो भी इसका अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इवनली ये डिस्ट्रीब्यूट लगते हैं पूरे अपने बालों पे, तो बालों में इस तरह से कहीं अलग से पैची पैची सा कलर नहीं दिखता है। तो इसे पूरे अपने बालों पे भी आप यूज जरूर करिएगा। आई थिंक दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए इस यूजफुल वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बाइंग लिंक दे दी है इन प्रोडक्ट्स की, तो आप यहाँ से जाके इसे बाय भी कर सकते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में भी इसे पिन कर दिया है। और अपने बालों को इस तरह से टाई कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ और एप्लीकेशन पूरा अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिएगा। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे एंड लव यू ऑल। करना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने वाले हैं इस पैक को लगाने के बाद और बाल काले रहेंगे ताउम्र के लिए।